हाँ दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल भास्कर मैथ्स अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपन पिछले दो दिनों से लगातार किसी टॉपिक के बारे में, मैथ और रीजनिंग के बारे में लगातार अपन प्रयास कर रहे हैं, और मैंने आप तक रीजनिंग के दो पार्ट आप तक किसी यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं, और मैथ्स के मैंने तीन पार्ट, साधारण ब्याज के तीन पार्ट अब तक आपके पहुंचा चुका हूं। अब आज अपन बात कर रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो प्रश्न कर रहे थे उसके अगले टाइप पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रकार के प्रश्नों से संबंधित आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन इस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर, ठीक है, अपने को कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार मैं पहला प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं कि सर शब्द आंसर, एक शब्द लिखा हुआ है ANSWER, शब्द आंसर में कितने ऐसे युग्म हैं, कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। प्रश्न देखिएगा, अपना पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि सर शब्द आंसर ANSWER, ये शब्द के अक्षर लिखे हुए, अक्षरों में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर लिखे हुए। मैं इधर अंग्रेजी वर्णमाला लिख देता हूं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो जाए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UV W X Y और Z। ठीक है, अब अपन इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए देखिएगा, अपने पास जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है आंसर, और उसकी स्पेलिंग है सर ANSWER। सबसे पहले जो भी शब्द दिया हुआ हो, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाए, अपने को सबसे पहले उनकी नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग कैसे करेंगे कि सर ए कितने नंबर पर आता है, एक नंबर पर आता है, सर एन कितने नंबर पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 14 नंबर पर आता है। ठीक है, सर एस कितने नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 19 नंबर पे आता है। सर डब्ल्यू कितने नंबर पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ये आ गया सर 22 नंबर पे आता है, क्या 23 नंबर पे आता है। ई अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। आर अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। इस अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अक्षरों के नंबरिंग देकर उसके पश्चात अपने को ये देखना है कि अक्षरों के बीच में कितने ऐसे अक्षर हैं या कितने ऐसे जोड़े हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन अक्षरों के बीच में उतने ही अक्षर होते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ए और एन के बीच में यहां कोई भी अक्षर नहीं है, लेकिन ए और एन के बीच में यहां बहुत से अक्षर है, तो ये जोड़ा नहीं होगा। सर ए और एस का भी नहीं होगा क्योंकि एक और 19 के बीच में अक्षर होते हैं, यहां पर एक अक्षर है। एक और 23 का भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं बात करूं सर एक और 5 की, सर एक और 5 की बात करूं तो उनके बीच में 3 अक्षर हैं और यहां पर भी 3 अक्षर हैं, तो क्या सर एक ऐसा युग्म, एक तो मिल गया शब्द ए और ई जिनके बीच यहां पर भी 3 अक्षर है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी इनके मध्य कितने अक्षर हैं, सर 3 अक्षर हैं। ए और आर नहीं हो सकता, इनके अलावा एन और एस नहीं हो सकता। देखो ए के सापेक्ष सभी की स्थिति देख ली, ए की जोड़ा प्रत्येक अक्षर के सापेक्ष सभी अक्षरों की स्थिति देखी जाएगी और उससे आगे वाले पदों की, क्योंकि पहले वाले पदों की तो पहले अपन जांच कर चुके हैं। 14 के साथ 19 का नहीं हो सकता, 14 के साथ 23 का नहीं हो सकता, 14 के साथ 5 का नहीं हो सकता, 14 के बाद में देखते हैं सर 18 का। सर 14 पर एन आता है, ये रहा,
18 पे आर आता है, ये रहा सर। एन और आर के बीच में तीन अक्षर हैं और यहां पर भी कितने अक्षर है, तीन अक्षर हैं। इसका मतलब एक जोड़ा और मिल गए, दो युग्म तो हो गए। अब एस के साथ देखते हैं सर, 1923 का जोड़ा नहीं हो सकता, 1905 का जोड़ा नहीं हो सकता, 18 और 19 का भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों कर्मागत है। लेकिन यहां इन दोनों के बीच में कितने अक्षर लिखे गए, दो अक्षर लिखे गए। 23 और 5 का नहीं हो सकता, 23 और 18 का नहीं हो सकता, फिर 5 और 18 का नहीं हो सकता। इस प्रकार इस प्रश्न के अंदर ऐसे कितने युग्म हैं सर, ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होंगे जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो अपना आंसर कितना आएगा सर, दो आएगा। अपना आंसर कितना आएगा, दो आएगा। समझ में आई बात, कर सकते हो इस प्रकार का प्रश्न। चलो मैं एक प्रश्न क्या है ना शब्द चेंज करके देखता हूं और उसके बाद में देखते हैं जी सबसे पहले कौन करता है, या अपन भी ट्राई करते हैं साथ में, ठीक है। मैं प्रश्न सेम यही है, बस मैं यहां पर आंसर की जगह एक शब्द चेंज कर देता हूं और मैं यहां पर स्पेलिंग लिखता हूं, ठीक है। जैसे डी ई एल यू एस आई ओ एन, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉरी डाइल्यूशन है, डी है। तो सबसे पहले देखिएगा डी ई एल यू एस आई ओ एन में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। सबसे पहले वही बात सर, अपन को नंबरिंग करनी है और इधर मैं आसानी से समझने के लिए मैंने मिटा दी, वापस लिख देता हूं अंग्रेजी वर्णमाला, जिससे आपको है ना अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जब भी आपको कोई प्रश्न करना हो ना, आप सबसे बेटर है कि सबसे साइड में एक अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो, जिससे आधार पर आप है ना बहुत आसानी से प्रश्न को हल कर लोगे, मुसीबत नहीं होगी। और अंग्रेजी वर्णमाला लिखने में बहुत आसानी है, ये आप सभी को आती है, बचपन से याद करते आए। डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी Q R S T U V W X Y और Z, ठीक है ना। चलो ये शब्द अपना D E L U S I O N, ठीक है। नंबरिंग करता है सर, D कितने नंबर पे आता है सर, चार नंबर पे। E कितने नंबर पे आता है, पांच नंबर पे आता है सर। L कितने नंबर पे आता है, बारह नंबर पे आता है, ठीक है। इसके अलावा U कितने नंबर पे आता है सर, 21 नंबर पे आता है सर। एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। आई नो मतलब आई कितने पर आता है, 9 पर। ओ कितने पर आता है, 15 पर। और एन कितने पर आता है, 14 पर, ठीक है ना। इनके बीच में युग्म देख रहे हैं। चलो जी पहला युग्म तो यही मिल गया, दोनों लगातार है सर। 4 और 12 के बीच में नहीं हो सकता, 4 और 21 नहीं हो सकता, 4 और 19 नहीं हो सकता, 4 और 9 देखते हैं। चार नंबर पर मेरे पास डी है, नौ नंबर पर मेरे पास आई है। चार और नौ के बीच में यहां चार अक्षर और यहां भी कितने अक्षर है, चार अक्षर है। मतलब एक जोड़ा तो ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, मतलब दो जोड़े तो बन गए अपने पास, युग्म बन गए। चार और 15 का नहीं हो सकता, चार और 14 का नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद में दूसरे अक्षर के सापेक्ष 5 और 12 का नहीं हो सकता, 21 का नहीं हो सकता सर, 19 का नहीं हो सकता। 5 और 9 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि जब 4 और 9 का बना है ना तो 5 और 9 का भी बनेगा, क्योंकि ये भी अगले कर्मागत पद लिखे हुए हैं। तो तीन जोड़े तो अपने पास बन चुके हैं सर। 5 और 15 का नहीं हो सकता, 5 और 14 का नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, 12 और 21 का नहीं हो सकता, 12 और 19 का नहीं हो सकता, 9 और 12 का देखते हैं। 9 पर ये, 10 11 12 पर ये, ठीक है। दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, दो अक्षर हैं, ठीक है। लेकिन यहां कितने, यहां भी कितने अक्षर हैं, दो अक्षर हैं। तो ये भी बन गया, मतलब कितने जोड़े बन गए, चार जोड़े बन गए। 12 के बाद देखिएगा 13 14 15, 15 यहां है तो ये जोड़ा भी नहीं बनेगा, ठीक है। 12 के बाद में 14 का जोड़ा भी नहीं बनेगा, 21 और 19 का जोड़ा भी नहीं बनेगा, 9 और 21 का भी नहीं बनेगा, 21 और 15 का भी नहीं बनेगा, ठीक है। और सर 14 और 21 का भी नहीं बनेगा, 19 और 9 का भी नहीं बनेगा, 19 और 15 का नहीं बनेगा, 19 और 14 का जोड़ा नहीं बनेगा, 9 और 15 का नहीं बनेगा, 9 और 14 का नहीं बनेगा। इसके अलावा 15 और 14 का एक जोड़ा और बन जाएगा। इस प्रकार टोटल युग्म जो बनने वाले हैं वो युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी सर, 5 हो जाएगी। समझ में आई बात, कर सकते हो इस प्रकार का प्रश्न। चलो एक प्रश्न में ना आपको करने के लिए केवल लिख रहा हूं, वो आपको करना है, उसके बाद में मैं आगे क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा, ठीक है। इनको मिटा देता हूं तो आंसर जो अपना होने वाला है ना
वो आंसर कितना होने वाला है, पांच, मतलब ऐसे कितने युग्म बनने वाले हैं, पांच युग्म बनने वाले हैं। चलो जी आगे मैं इसी कड़ी में एक प्रश्न और लिखता हूं आपके सामने, ठीक है, वो प्रश्न आपको करना है, ठीक है। मैं यहां केवल शब्द चेंज करता हूं, बाकी प्रश्न तो देखो वैसा का वैसा ही है, मैंने यहां केवल क्या प्रश्न के अक्षर है, शब्द है वो चेंज करता हूं, यहां शब्द कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं यहां पर शब्द लिखता हूं एफ यू एन सी टी आई ओ एन ए एल, फंक्शनल, ठीक है। मैं ऐसे कितने युग्म हैं, मैं ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, चलो ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं, दो, दूसरा ऑप्शन है चार, तीसरा ऑप्शन है जीरो, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब ये चार ऑप्शन आपके पास शब्द फंक्शनल में, कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे गए। पहला ऑप्शन है दो, दूसरा ऑप्शन है चार, तीसरा ऑप्शन है जीरो, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। आपको ये प्रश्न करना है, ठीक है। मैं आगे इसी कड़ी के रूप में अगले प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रश्न कर लोगे, ठीक है ना। चलो मिटा देता हूं इस प्रश्न को मैं, आगे अपन इसी कड़ी में अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि सर अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित और किस किस प्रकार से अपने से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिएगा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इसी कड़ी के अंदर आगे अपन कि और किस प्रकार से प्रश्न अपने से पूछा जा सकता है, तो एक प्रश्न लिखा मैंने बी आर ए के ई एस, ठीक है, ब्रेक्स के कितने के कितने अक्षरों की स्थिति, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित, अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्ण कर्मानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए। एक प्रश्न लिखा हुआ है बी आर ए के ई एस, अक्षर लिखे हुए मैं कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है, अक्षरों की स्थिति परिवर्तित अपरिवर्तित होने का मतलब वर्ण कर्मानुसार का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इसको यदि परिवर्तित किया जाए, ठीक है। पहले अंग्रेजी वर्णमाला में ए आता है तो यहां कहीं पर भी ए है उसको सबसे पहले ए लिखना है, ठीक है ना। इस प्रकार कितने ऐसे अक्षर हैं जिनको वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखने के बाद भी उनकी स्थिति अपरिवर्तित रहती है। जैसे शब्द था अपने पास बी आर ए के ई एस, ठीक है। अब देखिएगा सर बी दो नंबर पे आते हैं, ठीक, या फिर अपन ऐसे भी देख सकते हैं, सबसे पहले देखो ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा ई आएगा, ठीक है, ई के बाद क्या आएगा ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आर आएगा, उसके बाद क्या आएगा एस आएगा, यही क्रम होगा क्योंकि ए बी, बी के बाद ई पांच नंबर पे, ठीक है, ग्यारहवें नंबर पे क्या आएगा के आएगा, बाद में आर आएगा, आर के बाद में क्या आएगा अठारह, अठारह के बाद उन्नीस, उन्नीस के बाद टी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्रम चेंज करती है, तो ये क्रम नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, लेकिन ये क्रम ऐसा कैसा है और एक ये ऐसा कैसा है, तो दो अक्षर हैं और वो कौन कौन से हैं, एक तो के है और एक कौन सा है एस है। तो प्रश्न अपना क्या हुआ सब्जेक्ट की कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो दो अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्ण कर्मानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए, तो वो अक्षर होंगे कौन कौन से, एक तो के होगा और एक कौन सा होगा एस होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, मैं एक प्रश्न और करवा रहा हूं इसी प्रकार के, केवल शब्द चेंज कर रहा हूं, बाकी प्रश्न यही का यही है, ठीक है। मैं यहां एक शब्द लिख देता हूं इसके स्थान पर, जैसे वंडरफुल लिख देता हूं, डब्ल्यू ओ एन डी ई आर एफ यू एल, ठीक है ना, यहां एक शब्द लिख दिया मैंने वंडरफुल। अब इसमें भी यही जांच करनी है कि ऐसे कितने युग्म होंगे, ऐसे कितने युग्म होंगे
जिनके बीच में मतलब अक्षरों की स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्ण के कर्मानुसार, किसके कर्मानुसार, वर्ण के कर्मानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए, मतलब वर्णों के आधार पर इनको व्यवस्थित कर दिया जाए। फिर भी सर ऐसे कितने युग्म होंगे जिनकी स्थिति क्या रहे सर, अपरिवर्तित रहे, जिनकी स्थिति क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो अपने को क्या करना है सर, शब्द है वंडरफुल, उस वंडरफुल शब्द के आधार पर सबसे पहले देखो W है, O है, N है, D है, E है, R है, F है, U है और L है, ठीक है ना, इन शब्दों को व्यवस्थित करना है। तो क्या आप मुझे बताओगे इसके आधार पर, ठीक है, क्या बताओगे सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा इनके अंदर, W आएगा, O आएगा, N आएगा, D आएगा, E आएगा, तो आप जानते हैं सबसे पहले कौन आएगा, D आएगा, D के बाद में क्या आएगा, E आएगा, E के बाद में क्या आएगा, F आएगा, आएगा ठीक है। इसके बाद में देखिएगा D आ गया, E आ गया और F आ गया, इसके बाद में आएगा अपने पास L, इसके बाद क्या आएगा, L आएगा, L के बाद में क्या आएगा, N आएगा, ठीक है, N के बाद में क्या आएगा, O आएगा, O के बाद में क्या आएगा, कौन कौन से शब्द बच गए अपने पास, देखिएगा E आ गया, F आ गया, L आ गया, N आ गया, O आ गया, अब अपने पास दो शब्द, तीन शब्द बच गए, U, W और R बच गया। तो R सबसे पहले आएगा, स्वाभाविक बात है, उसके बाद में U आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, W आएगा, यही क्रम होगा। तो देखिएगा ये शब्द नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, इसका भी क्रम बदल गया, इनका भी क्रम बदल गया, इनका भी क्रम बदल गया, इनका भी बदल गया, इनका भी बदल गया, बस ये एक क्रम एक ऐसा है जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर व्यवस्थित करने के बाद भी इनका क्रम नहीं बदला, मतलब ये जिस स्थान पे था उसी स्थान पर वापिस पहुंच गया, समझ में आई बात। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाता है, तो कर सकते हो इस प्रकार के प्रश्न भी। चलो फिर एक प्रश्न के बारे में और चर्चा करते हैं, इसी क्रम के आधार पर यदि मैं प्रश्नों के बारे में चर्चा करूं तो अगला प्रश्न में इसी के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर और किन किन प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न लिख रहा हूं ठीक है, और किस किस टाइप से प्रश्न अपने से पूछे जाते हैं। तो देखिएगा यदि शब्द ट्रेड्स के प्रत्येक व्यंजक को, प्रत्येक व्यंजक को इसके पिछले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को उसके अगले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, कर दिया जाए तो बने शब्द में दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। शब्द देखना, प्रश्न को पढ़ना एक बार कि यदि शब्द टी आई आर ए डी ई एस के प्रत्येक व्यंजक को इसके पिछले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को, व्यंजक और स्वर क्या हो, स्वर पांच होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, आप जानते हैं ए ई आई ओ यू, ये पांच क्या होते हैं, स्वर होते हैं, बाकी बच गए वो सारे के सारे क्या होते हैं, 21 व्यंजक होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजक, कुल कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं जिनमें पांच स्वर होते हैं, बाकी 21 क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं, ठीक है ना। इन स्वरों को तो इससे अगले क्रम में जोड़ना है और व्यंजकों को उससे जस्ट पिछले क्रम में,
तो सर शब्द बनाना है, पहले तो अपने पास शब्द था टी आई आर ए डी ई एस, टी तो व्यंजक है तो व्यंजक को तो उसके पिछले वाले से प्रदर्शित करने, ठीक है, तो टी से पहले क्या आएगा, एस आएगा, आई तो स्वर है, ठीक है, तो स्वर आई है तो स्वर तो अगले वाले पद में आएगा ना, तो दस पर क्या आएगा, जे आएगा, आर स्वर है, सॉरी व्यंजक है, आर व्यंजक है तो उसको उससे पिछले वाले पद से, ठीक है, तो आर से पहले क्या आएगा, क्यों आएगा, ए स्वर है तो अगले पद से बी आएगा, डी व्यंजक है तो पिछले वाले पद से सी आएगा, ई स्वर है तो ई से बाद में, एफ एस व्यंजक है तो उससे पहले क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है, ये हो गया, मतलब सबको मैंने परिवर्तित कर दिया, आगे है तो आगे में परिवर्तित कर दिया, पीछे है तो पीछे में परिवर्तित कर दिया, लेकिन प्रश्न में क्या पूछ, यदि शब्द के प्रत्येक व्यंजक को उसके पिछले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को उसके अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो शब्द में दाएं से छोटा आई, बात हमेशा याद रखना, दाएं की स्थिति पूछी जाती है तो हमेशा इस ओर से लेना है और बाएं की स्थिति पूछी जाती है तो हमेशा इस ओर से लेना है, लेकिन फिर देखना क्या कह रहे हैं, दाएं से चौथा अक्षर तो पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर, देखो संयोग की बात तो ये है, इधर से भी चौथा अक्षर बी है और इस ओर से चौथा अक्षर बी है, लेकिन आंसर तो अपना बी आएगा, लेकिन याद क्या रखना है, दाएं से पूछा जाए तो इस ओर से लेना है और बाएं से पूछा जाए तो इस ओर से लेना है, तो उम्मीद है कि आप ये प्रश्न कर लोगे, कर सकते हो, एक प्रश्न में आपको देता हूं इस प्रकार का, आपको करना है, ठीक है, तो आंसर अपने पास यहां क्या आएगा, बी आएगा। इसी प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा सा लैंग्वेज परिवर्तित करके दे रहा हूं और उसके बाद में आपको इस प्रश्न का आंसर निकालना है, जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा, ठीक है, इसके माध्यम से यदि मैं बात करूं प्रश्न के आधार पर तो एक प्रश्न देता हूं आपको कि सर शब्द सी यू एल टी आई V A T O R, ठीक है, एक शब्द लिखा है मैंने, इस शब्द के पहले और छठे अक्षर, पहले और छठे अक्षर, पहले और छठे अक्षर पलट दिए जाते हैं, ये पलट दिए जाते हैं, ऐसे ही दूसरे व सातवें अक्षर को पलट दिया जाता है, इसी प्रकार आगे भी अक्षरों को पलटा जाता है, पलटा जाता है तो पलटने से बने शब्द में दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, ऑप्शन भी दे देता हूं, टी ओ एल और वी, ठीक है, प्रश्न है शब्द लिखा हुआ है उसके पहले और छठे, मतलब पहले जो अक्षर है उस पहले के स्थान पर इस शब्द का छठवां अक्षर रख दिया जाता है, छठवें अक्षर के स्थान पर पहला अक्षर रख दिया जाता है,
दूसरे को सातवें अक्षर के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, इसी प्रकार तीसरे को आठवें पर, चौथे को नौवें पर, क्रमागत पदों में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और प्रतिस्थापित करने के बाद में जो प्राप्त जो शब्द है उस शब्द की दाईं ओर से कौन सा अक्षर पूछ लिया गया, दूसरा अक्षर पूछ लिया गया, तो वह दूसरा अक्षर क्या होगा, टी ओ एल वी, इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल भास्कर मैथ्स अकेडमी पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि मैं आपके बीच ऑनलाइन आने का भी मौका पा सकूं। ठीक है, और एक मेरे साथी हैं विकास कांटीवाल सर, आप जानते भी होंगे, कुछ विद्यार्थी जानते भी हैं, वो जीएस की अभी नियमित रूप से क्लास ले रहे हैं, उनका अपना चैनल है, तो वहां अगर साइंस पढ़ने चाहते हो तो आप उनके चैनल पर, विकास कांटीवाल जीएस सर के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, तो आप उन पर भी लगातार यदि साइंस की क्लासेस लेना चाहते हो, तो वो सर भी अपनी साइंस की क्लासेस चालू कर रखी है, तो आप वहां पर भी अपनी क्लास चालू ले सकते हो साइंस की। ठीक है, ओके, गुड बाय, और आप सभी को गुड नाइट।